गाइस अभी रिसेंटली यूएई ने भी पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। गाइस रिस्ट्रिक्शन किस बात की लगाई है, तो रिस्ट्रिक्शन इस बात की लगाई है कि पाकिस्तानी जो भी यूएई जाएगा उसके उसके अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे तो लग गए आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। क्या वजूहत है पाकिस्तान की मुश्किलात में डे बाय डे इजाफा होता क्यों जा रहा है? पहले तो इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, उसके बाद फ्लड ने पूरे पाकिस्तान को अपने जब में ले लिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को एक धचका दिया था क्रिकेट मैच में, तो बेचारे पाकिस्तानी उसके सदमे से अभी तक उभर नहीं पाए थे कि यूएई ने और एक और झटका लगा दी। और झटका भी ऐसा लगाया जिसको बोल सकते हैं कि आप जोर का झटका। यूएई ने खास तौर से पाकिस्तानियों के लिए एक विशेष ऑफर निकाला है। भूखे नंगे पाकिस्तानियों, अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में 5,000 दरम है तो तुम यूएई आ सकते हो, नहीं तो अपने घर में ही रहो। ये खबर सुनने के बाद में पाकिस्तानी चले गए कोमा के अंदर। मगर क्यों? कि अगर हमें अब यूएई में जाना है तो हमारे बैंक अकाउंट में कम से कम 5,000 दरम जितने पैसे होने चाहिए, और पाकिस्तानियों की माने तो इतने पैसे होते ही नहीं है। तो वो यूएई कैसे जाएंगे? मेरे को कुछ नहीं पता, पुलिस पता लगा रही है। इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो गए पब्लिक के बीच में, ये जानने की कोशिश की कि ये यूएई ने क्या किया, हमारे इस्लामी ब्रादर मुल्क ने क्या किया। तौबा तौबा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तौबा तौबा। तो पाकिस्तानी आवाम ने जो कहा सुनते। ओके भाई, बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक है जिस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी रिसेंटली यूएई ने भी पाकिस्तानियों पर एक और मतलब के समय लेके बिजली गिर गई पाकिस्तानियों के ऊपर। उन्होंने ये शरायत रखी है कि जो भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से यूएई की तरफ जाएगा उनके अकाउंट में $5,000 होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या समझते हैं आपके इससे कितने ज़्यादा मसाइल बढ़ेंगे जो इधर से काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो अवेलेबल पहले ही हैं उनके लिए क्या मसाइल होंगे, इस बारे में आप क्या अपनी राय रखते हैं? देखें, ये सीधी सी बात है कि जब हम मांगने की आदत अपनी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा खुद नहीं होंगे, तो यूएई क्या दुनिया में कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, इज्जत की कीमत देनी पड़ती है जो कि ये देने को तैयार नहीं होते। ख़ास तौर पे मौजूदा हुक्मरान जो हैं ये तो बस हर चीज़ लुटाने को तैयार हैं और लूटने को तैयार हैं। इन भाई साहब ने ढाई टप्पे में अपनी बात कह दी है, बिल्कुल सीधी और सपाट, समझना वाला समझ जाएगा, ना समझे वो नाड़ी। आप क्या समझते? ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तकरीबन 30 साल से दुबई में रह चुका हूँ। अच्छा, और पहले ये नहीं था, पहले पाकिस्तान की वहाँ पे बड़ी इज्जत होती थी। अब ये है कि अब इंडिया, बांग्लादेश सब वहाँ पे पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते। पहले तो तुम अपने आप से पूछो कि तुम अच्छे हो भी क्या। नहीं, बम तुम फोड़ो, आतंकवाद तुम फैलाओ। सही बात है, और इसलिए पाकिस्तानियों पे ये है, बाकियों पे नहीं है। पाकिस्तानियों ने अपनी इज्जत के पे खुद ही जिम्मेदार हैं या फिर बाहर की साजिश लगती है आपको? मेरे ख्याल में ये बदनाम किया पाकिस्तान को इन्होंने या हमारे जो हुक्मरान है, वरना हमारी बहुत इज्जत करते हैं वो, अभी भी मोहब्बत बहुत है, गले लगाते हैं। हालांकि हिंदू होते हैं, दूसरे नेशनलिटी के होते हैं, लेकिन यानी कि भाई वहाँ पे एक सब एक जैसे ही हैं। कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती भी तो नहीं है? फॉर एग्जाम्पल मेरा आपके साथ लिंक है ना, अगर मैं आपके साथ फ्रॉड करता हूँ या धोखा देता हूँ आपको, एक एज अ नेशन मैं बाहर की कंट्री जाता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ, अगर मैं आपके साथ वादा खिलाफी करता हूँ, वादा करके पूरा नहीं करता, आप मुझे अमानत देते हैं, मैं उसमें खयानत करता हूँ, क्या मुझे ऐसे अल्फाज से याद रखोगे? नहीं, ऐसे तो नहीं ना। कहीं ना कहीं ये भी तो ऐसा तो नहीं हुआ? कहीं ना कहीं आपको लगता हो कि कहीं इस तरह हुआ है तो जिसकी वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी हो? अभी रिसेंटली एक खबर आई थी, चंद दिन पहले की बात है, अमेजोन ने पाकिस्तान की 1300 कंपनियां जो हैं वो बैन की हैं। ठीक है, जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं ये बिल्कुल अक्स है अवाम का कि हर बंदा जो है, मोस्टली लोग जो है वो दो नंबरी के ऊपर सारा वक्त तैयार रहते हैं, सबके सब चोर हैं साले, और बिकने के लिए तैयार है सारे। ठीक है, और जो कौम ऐसे होगी तो उसकी इज्जत कौन करेगा, वो फिर जैसी कौम वैसे हुक्मरान। यहूदियों की, ईसाइयों की कंपनियां पाकिस्तान से अपने आप को आउट कर रही है, तो ये तो पाकिस्तानियों के लिए गुड न्यूज है भाई, ये तुम्हारी जीत है, मॉरल विक्ट्री है, मॉरल विक्ट्री। अबे साले,
सर मैं अभी आपको अपने पड़ोसी मुल्क की मिसाल देना चाहूँगा कि इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, उसको यूके को बीट करने के बाद इंडिया पाँचवें नंबर पर आ गई है, उसकी तरक्की के पीछे क्या वजूहत लगती हैं आपको? देखिए इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है कि हमारी कौम ने, अगर मैं सियासी बात हो जाएगी लेकिन रशिया से ऑयल क्यों नहीं ले रहे थे, जिसने लेने की कोशिश की उसको हटा दिया। और आप इस बात को कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है पहले बहुत अच्छी थी, यानी कि ज़ियाला के ज़माने में बहुत रिस्पेक्ट थी हमारी, यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी है कि हमें यहाँ पे आने को दिल ही नहीं करता। आए हाय दिल ही नहीं करता। फिजा खलीफा क्या हो रहा है तुम्हारे मुल्क में, कैसे मिला था तुमको ये पाकिस्तान और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाजदाद ने, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। दिल के आप इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि नहीं, जो अभी रिसेंटली जो उनसे बाहर के दूसरी कंट्रीज एप्पल और उसके बाद गूगल के फोन मैन्युफैक्चर हो रहे, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, क्या वजूहत लगती हैं उस कॉम में और उसके में क्या डिफरेंस है? देखें इंडिया में एक तो बहुत अरसे से पोलिटिकल स्टेबिलिटी है नंबर वन, ठीक है, हमारे यहाँ पर कोई भी हुकूमत जो है 5 साल पूरे नहीं करती, ठीक है, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा, एज ए नेशन कुछ जो न्यूट्रल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हर गवर्नमेंट जो है उसके अंदर कोई किसी ना किसी रीज़न से वो उसको दरमियान में रोक दिया जाता है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल्स को वो चैलेंज कर जाते हैं। सही बात है। और उस वजह से जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी आती ही नहीं है, ठीक है, वो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं पॉलिटिकल पॉलिसीज़ उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया बहुत ज़्यादा तंग नज़र, जो वहाँ पर मोदी है सरकार वो बहुत ज़्यादा तंग नज़र होने के लिहाज से, मजहबी लिहाज से, ठीक है, वहाँ पर क्रिश्चियंस का और मुसलमानों का दोनों का जीना दुश्वार है। चोर होता ना उसको सब चोर नजर आते हैं, इन पाकिस्तानियों ने जो हिंदुओं का ईसाइयों का जो हाल किया, जो 28% से उन्हें 1.5% पे लाके पटक दिया, तो इनको ये लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा ही होता है, जबकि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए हिंदुस्तान में जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हम तमाम उसके पाबंद हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसका प्रीएम्बल ये है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है, हमारे दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज को, आप मुतमईन रहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है वो हमेशा मजबूत रहेगा और इंशाअल्लाह ताला उसको मजबूत रखेंगे, आप उसकी हरगिज़ फिक्र मत करिए। दूसरी बात यह है कि आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है और हम यहाँ पर अपने मसाइल जमहूरियत में मिलकर तलाश कर रहे हैं, आप हमारी छोड़ दीजिए। तीसरी बात यह है कि सर जिहाद के माने आपके कुछ हैं और मेरे कुछ हैं, अगर मैं बोलना शुरू करूं, क्या ये जिहाद है कि शियाओं पर हमला करना, क्या ये जिहाद है कि मस्जिद को मार देना, लोगों को मार देना, आप बताइए मुझे, हमारा जो मेरे जो माने जिहाद, सबसे अहम काम यह है कि नफ्स के खिलाफ जिहाद करो और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे करो, वो सबसे बेहतरीन जिहाद। मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आपको अपने पाकिस्तान पे ध्यान देना चाहिए, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके ऊपर आप ध्यान ना देके अपनी जहालत पे अगर ध्यान देंगे तो आप लोगों के लिए वो ज्यादा बेटर रहेगा। और नहीं तो क्या, आप ये क्यों नहीं सोचते एक इस्लामी मुल्क में, एक इस्लामी मुल्क को इस प्रकार से गेट आउट बोल दिया हो, इसको गेट आउट ही बोला जाएगा क्योंकि वो डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकता था, अब इनको भी पता है हर पाकिस्तानी के पास में इतना पैसा होता नहीं है तो वो हमारे देश के अंदर कोई कचरा पट्टी फैलाएंगे नहीं, तो उन्होंने ये सबसे बेटर तरीका निकाला कि बकरे की जान भी चली जाए और उसको दर्द भी ना हो, तो ये पाकिस्तानी आपको एक तरीके से गेट आउट किया यूएई ने। और आप लोगों क्या विचार है, आप भी कमेंट सेक्शन है आपके पास में भर दीजिए भाई साहब, भर दीजिए आप टोकरे भर भर के भर दीजिए आप। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक में रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।